अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। अगर एक तरफ आप सबका जहन पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच पर लगाए और सब दुआगो हैं कि पाकिस्तान जीते, दूसरी तरफ यकीनन जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टोरी है, सबसे बड़ी कहानी है, वो ये है कि GIT बनी है जो पनामा केस में, उससे नथी, उससे जुड़े हुए बहुत से सवाल उठ रहे हैं और रोज़ाना उठते हैं। अभी आप एक तस्वीर भी देख रहे हैं इस वक्त हुसैन नवाज़ साहब की, जो कल सोशल मीडिया पर आई, उसके हवाले से भी बहुत सी चीज़ें हैं। नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन किया है सेनेटर एतज़ाज़ अहसन साहब ने, एक पाकिस्तान में जो कानून के हवाले से, सियासत के हवाले से और पाकिस्तान में जो अदलिया के साथ मुख्तलिफ अदवार अदलिया के गुजरे हैं, उस पर अगर हम कहें कि एक ऐसी आवाज़ जो बहुत ऑथेंटिक आवाज़ है, जिन्होंने खुद इन तमाम अदवार में एक्टिवली एक रोल अदा किया है, वो यही एतज़ाज़ अहसन साहब हैं। तो हमने इनसे आज का हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द प्रोग्राम एतज़ाज़ साहब। एतज़ाज़ साहब, हम शुरू करते हैं। हम चाह रहे थे कि पांच जो अहम इश्यूज हैं जो ये GIT से नथी उभरे हैं पिछले कुछ दिनों में, उस पर आपसे बात करें। नाज़रीन, कौन से पांच इश्यूज की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि रजिस्ट्रार की इदारों को ऐप कॉल, फिर दूसरा इशू एक फाजिल जज के माजी पर एतराज़ात। आप देख रहे हैं इस पर प्रोग्राम हो रहे हैं, इस पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया में बहुत कुछ कहा जा रहा है। फिर हम तीसरा इशू है GIT के मेंबरान पर एतराज़। आपको मालूम है दो मेंबरान के हवाले से बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी, बिलाल रसूल और आमिर अजीज़ के हवाले से। फिर चौथा अहम इशू ये है कि एक फाजिल जज के जो रिमार्क्स थे सेनेटर निहाल हाशमी केस पर, जब एक प्रोसीडिंग हुई उस पर बहुत सी उसके बाद कयासराइयां हुई, बहुत से तबसरे हुए और यकीनन हुकूमत की तरफ से भी एक बेनामी प्रेस रिलीज आई। और उससे जो पांचवा अहम इशू उठा वो ये था कि हुकूमत की तरफ से जो कहा गया कि जजों के जाब्ते अखलाक और हल्फ की खिलाफ वर्जी की गई है उन जज साहब ने, और ये भी फिर सवाल उठा, बड़ा सवाल ये उठा कि क्या हुकूमत तैयारी कर रही है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाने की, जिसके बाद हमने देखा चौधरी निसार साहब, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बहरहाल वो उनकी स्टेटमेंट है। ये पांच अहम इश्यूज जो हैं वो बरकरार हैं। हम शुरू करते हैं एतज़ाज़ अहसन साहब से। एतज़ाज़ साहब, ये जो हुसैन नवाज साहब की तस्वीर कल सोशल मीडिया पर आई और बहुत बड़ी बात हो गई, और बहुत बड़ी बात इस तरीके से हो गई कि लोगों ने कहना शुरू किया ये किसने लीक की, क्यों लीक की, इसकी वजह क्या है, GIT को ख़राब करना है। हुकूमत ने कहा कि ये हुसैन नवाज साहब, हुकूमत की तरफ से कहा गया कि शायद उनको ख़राब करने की कोशिश की है, उन्हें ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई है हुसैन नवाज साहब को। इस तस्वीर को आप देख के क्या कहेंगे? ये तो बड़ी वाज़े सी साजिश है, जिसका जो नज़र आती है कि GIT को बदनाम करने की, उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की, क्योंकि हुसैन नवाज़ को इस तरह बिठाए हुए दिखाया है, पता नहीं वो 5 मिनट बैठा है या वहाँ बैठा भी है, और लोग कौन थे, क्या वो कोई इंटरोगेशन रूम था कि नहीं था, और फिर उसकी तस्वीर बनी और तस्वीर को पब्लिक किया गया। ये तो जाहिर है कि इसका मकसद एक ही है, और जो मकसद नवाज हुकूमत का और मुस्लिम लीग नवाज का है कि GIT को भी और बेंच को भी, सुप्रीम कोर्ट के बेंच को भी कंट्रोवर्शियल कर दिया जाए, मुतनाज़ा कर दिया जाए, उनको इस तरह दिखाया जाए कि वो बड़ी सख्ती कर रहे हैं और बड़ी मुतासब बरत रहे हैं और मुतासबाना सारी कार्रवाई है, और बीच में एक हीरो है जो बड़ा हंसता हुआ बाहर जा निकलता है और हंसता हुआ अंदर जाता है, बड़े एतमाद से आता जाता है, जबकि उसने अभी तक एक डॉक्यूमेंट गालिबन ऐसा पेश नहीं किया
जो क्योंकि पहले भी कोई डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा इस तस्वीर पे मैं चाहूंगी कि आपका कमेंट ले लें, क्योंकि देखिए लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पूरी बिल्डिंग है ये तो कंट्रोल में है सिक्योरिटी एजेंसीज के, ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि ये तो सीसीटीवी फुटेज है, ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के पास तो एक्सेस ही नहीं है, तो ये हुकूमत ने ये किसी एजेंसी ने रिलीज किया? ये हुकूमत के पास एक्सेस नहीं हो, कैसे नहीं हो सकती हुकूमत के पास तो एक्सेस, हुकूमत तो बगिंग प्राइम मिनिस्टर हाउस की करती रही है, और हुकूमत के बल्कि मरियम नवाज शरीफ का मीडिया सेल, वो एक मीडिया सेल बगिंग करता रहा है, और वो सारी उस पर वो चलाता रहा है, और इस पर मैं पहले बता चुका हूँ, इस पर जो वाकया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का हुआ और जिस पे इकबाल किया, जिस पे इतराफ किया मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, जो आजकल गवर्नर सिंध है, उस वक्त तर्जमान वफाकी हुकूमत के तर्जमान थे और बड़े अच्छे तर्जमान थे, जिसकी जिस खिदमत की वजह से उनको ये ओहदा मिला। इत्तेज़ाज़ साहब आप क्या कहेंगे कि ये इतना अहम मसला है, ये तस्वीर का बाहर आना क्या इतना अहम है कि इस पर भी कोई बनाई जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए? क्योंकि ये कहा जा रहा है, आप देखिएगा तो ज़्यादा यही कहा जा रहा है सोशल मीडिया में कि जी ये तो इदारों के हाथ में है, ये जो जुडिशल अकेडमी है ये कोई हुकूमत के हाथ में तो है नहीं इसकी सिक्योरिटी, तो इस वजह से ये जैसे सौलत मिर्जा की जीआईटी के दौरान चीज़ें बाहर निकली तो ये निकाली गई, वुड यू से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे तो पहले दिन से ये मौकफ रहा है कि ये ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए, ओपन पब्लिक इंक्वायरी हो, और हमें ये भी पता लगे कि हुसैन नवाज शरीफ ने के को क्या सवाल हुए हैं, उसने क्या जवाब दिए हैं, कौन सी दस्तावेजात उसने सामने रखी हैं जेआईटी के, कौन सी पेश की हैं, कौन सी, देखें बेबुनियादी तौर पे जब मलकियत हुसैन नवाज ने और शरीफ ख़ानदान ने तस्लीम कर ली कि ये फ्लैट्स की मलकियत उनकी है, जद्दा की अजीज़िया मिल की, स्टील मिल की मलकियत उनकी थी, मेटल हिल कंपनी की जद्दा में मलकियत उनकी है, तो ये तो ऐसे असासे हैं जिनकी दस्तावेजात मलकियत के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, ये सारे मालिक के पास होते हैं और पास होने चाहिए, तो हमें पब्लिकली पता लगना चाहिए कि उन्होंने क्या पेश किए हैं ये जीआईटी में। ये जीआईटी बंद कमरे में जो हो रही है, मैं तो इसके खिलाफ हूँ, ये तो शरीफ खानदान को इसका फायदा पहुँच रहा है। अगर आप इतने खिलाफ हैं, बाहर निकल के जो मर्जी कहें, नहीं कोर्ट में मैं जाने को वाला बंदा नहीं हूँ कि हर बात पे कोर्ट में चला जाऊँ, मेरा इससे क्या ताल्लुक है, मैं ताल्लुक तो है, आप कह रहे हैं ये बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए केस, तो कोई और चले जाए, यानी काम पाकिस्तान के लिए है मैं केस, और ये पब्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए थी, पब्लिक में दुनिया में पब्लिकली होती हैं, सेनेट की हियरिंग्स पब्लिक में होती हैं, जुडी ग्रैंड जूरीज जो कि इंक्वायर करती हैं, जेआईटी है समझ लें दुनिया में, वो पब्लिक होती हैं, तो ये क्यों ना पब्लिक हो, इससे तो फ़ायदा, ये सीक्रेट प्रोसीडिंग से तो फ़ायदा उठा रहे हैं शरीफ फैमिली वाले, कि खबर नहीं अंदर कुछ डॉक्यूमेंट दे भी रहे हैं हमें, तो कोई उन्होंने डॉक्यूमेंट पहले तो किसी मौके पे सुप्रीम कोर्ट में तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में तो दो कतरी खत पेश कर दिए और कहा कि ये हमारे पास सारा कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था, अब वो कौन से डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं जो बाहर आके कहते हैं कि हमने सारे सवालात के जवाब दिए, जो पूछा उसका जवाब, तो आप कह रहे हैं कि पब्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को जारी रखते हैं, स्टे विद अस। इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं।
कि जो इख्तलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज एचटी। तजुर्बा भी सोच विचार भी जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में, पेश होती है बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया, यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम आवाम हैं या रियाया, हमारे हकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज एचडी पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं, तकरार की तलखी में बात बनती नहीं बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे लेकिन सबूत की रोशनी, हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज एचडी पर। लिखते रहे जुनू की हिकायत खून चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज एचडी पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं, वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गईं। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निजाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है? जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी।
देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 News HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया, कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ताजुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 News HD पर। प्रोग्राम में ये कहा कि अगर ये व्हाट्सएप कॉल पे हम आ रहे हैं कि अगर रजिस्ट्रार साहब ने कॉल असल में की है तो उसका फ़ायदा शायद नवाज शरीफ साहब को हो सकता है, ये आपने फरमाया था। और फिर आपने कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए इस इशू पर और कि भाई व्हाट्सएप कॉल हुई, किस तनाजुर में इसको लिया जाए, किसने की एक्सेट्रा। और उसी हवाले से एहसन इकबाल साहब जो हैं PMLN के लीडर और मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने तो बड़ी एक स्पेसिफिक बात की कि क्योंकि ये बात उठी है व्हाट्सएप कॉल की, उससे नथी ये सवाल उठता है, सुनिएगा। वो कौन से खुफिया हाथ हैं, वो क्या चीज है, वो कौन सी कुवत है कि जो इस इंक्वायरी GIT के लिए नामों की फाइनलाइजेशन कर रही है, जिसका काम उस बेंच को करना था जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, जो अभी वजूद ही नहीं पा सका। इत्तेज़ाज़ साहब, ये सबसे बड़ा सवाल बन के सामने आ रहा है अगर ये कॉन्ट्रोवर्शियल व्हाट्सएप कॉल का इशू लें कि भाई वो ये अज्यूम किया जा रहा है कि जी इसका मतलब है कि शायद कोई खुफिया हाथ है, तो आप इसको क्या कहेंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, चीफ जस्टिस साहब को क्या करना चाहिए, या इसको इग्नोर कर दें क्योंकि जजेस ने कहा है कि हमने कॉल करवाई थी? दो तीन चीज़ें तो क्लियर है ना। एक तो ये है कि जजेस ने एक मरहले पर जो महकमे थे, नैब का, SECP का, स्टेट बैंक का, FIA का तो खैर चीफ लग गया था, बाकी इन तीनों महकमों से तमाम अफसरान की फहरिस्तें मांग ली थी। कोई एक आदमी की नहीं, एक की नहीं, दो की नहीं, एक ख़ास आदमी की नहीं, उन्होंने तमाम अफसरान की लिस्टें के ग्रेड 18 से ऊपर जो हैं वो आप सारे लिस्टें हमें दो। उसके बाद ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुबैना तौर पे ये एक जाना रिक्वेस्ट जानी या एक डायरेक्टिव जाना टू दी चेयरमैन SECP और गवर्नर स्टेट बैंक के फलां फलां शख्स का नाम आप डालो, ये बड़ा बेमानी लगता है। क्योंकि इत्तेज़ाज़ साहब अगर आप इजाज़त दें तो ज़रा सीक्वेंस में सबमिट कर दूं आपकी खिदमत में। सबसे पहले 22 तारीख को 20 को जब ऑर्डर आए, उस ऑर्डर में ये कहा गया कि इस बेंच के सामने तीन तीन नाम दिए जाएं। जब ऑर्डर के बाद कुछ रोज़ के बाद यानी 4-5 रोज़ के बाद मुबैना ये जो कॉल गई है अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी, वो उसके मुताबिक 26 और 28 अप्रैल यानी कि ऑर्डर के 4-6 दिनों के अंदर अंदर ये गया रजिस्ट्रार का की कॉल, और उसके कोई 8-9 दिनों के बाद यानी 4 मई को बेंच ने उनको ये कहा, तीनों हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स को कोर्ट में कहा कि आप 18 ग्रेड के ऑफिसर्स के नाम भेजें। तो थोड़ा सीक्वेंस मैं चाह रही थी उसको करेक्ट कर दूँ। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, जब उन्होंने सारे ही नाम मांगे तो उनमें वो नाम जो कि मखसूस नाम
मुबैना तौर पे रजिस्ट्रार ने मांगे हैं वो भी बीच में मौजूद होंगे, वो होने लाजिम है क्योंकि सारे नाम जब होंगे तो वो बिलाल रसूल का और आमिर अजीज़ का नाम भी बीच में होगा, तो उनको खसूसी तौर पे मांगने का कोई तुक नहीं बनता, कोई जवाब नहीं बनता रजिस्ट्रार की जानिब से। सो ये कॉल जो है ये कॉल मैं तो समझता हूँ बनावटी कॉल है जो शरीफ ख़ानदान की जानिब से ये किया गया है कि पहले एक कॉल, और ये सारी स्टोरी उस किस्म की है कि पहले एक कॉल लैंडलाइन पे ज़रूर हुई होगी रजिस्ट्रार की और SCCP के चेयरमैन की बातचीत, उन्होंने कहा होगा हो सकता है, मैम आई एम स्पेकुलेटिंग, मुझे इलम नहीं है, मुझे इलम नहीं है, पर जिस तरह स्पेकुलेट किया जा सकता है या किया जा सकता हूँ वो कि उन्होंने कोई बात की होगी कि भाई आपने नाम भेजने थे, आपने नाम नहीं भेजे, वो लैंडलाइन की कॉल लॉग हो गई। उसके बाद व्हाट्सएप की कॉल बनाई गई है कोई जो कि इनक्रिप्टेड है और जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनके पास ना कोई रिकॉर्ड, फोटोशॉट है जी, ये स्क्रीनशॉट है, मैं समझता हूँ उसकी स्क्रीनशॉट है। इत्तेजाज साहब थोड़ा सा स्क्रीनशॉट है उस व्हाट्सएप की कॉल की, मैं फिर वापस आना चाहती हूँ सीक्वेंस पे, क्योंकि जब ये 4 मई को कोर्ट ने कहा कि सबकी लिस्ट दें, उससे पहले जो 20 तारीख का ऑर्डर था कोर्ट का, उसमें कहा था तीन नाम दें, यानी सारे नाम तो 4 मई को मांगे, ये कॉल तो हुई है 26 और 28 अप्रैल को, और उस वक्त इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो नाम दिए गए, तो जब तीन नाम इन कॉल्स के बाद तीन नाम भेजे गए, उसमें ना बिलाल रसूल साहब का नाम था, ना आमिर अजीज का नाम था, और फिर जब कोर्ट बैठा है 4 तारीख को तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए वो नाम, और उस पॉइंट पे कोर्ट ने कहा कि 18 ग्रेड के तमाम अफसरान के 18 से अबव के नाम दें। तो जो कॉल का मकसद है उस वक्त, वो जो तीन नाम थे मांगे, उन 3 नामों में इनकी शमूलियत चाही उस कॉल ने, मुबैना कॉल ने। वो जब उन्होंने कॉल तो रिकॉर्डेड हो सकती है, उसकी वो क्या आप कहते हैं स्क्रीनशॉट, फोटो स्क्रीनशॉट भी हो सकता है, पर उसके कंटेंट की तो का तो इल्म नहीं हो सकता ना, उसका कंटेंट क्या है, उसका कंटेंट ये जब जज सारे नाम मांग सकते हैं और मांग लेते हैं, तो उनका किसी एक आध का नामजद करना उनकी जानिब से ये मुमकिन नज़र नहीं आता, और अगर ये सिर्फ इस पे शहादत है SCCP के चेयरमैन की, SCCP का चेयरमैन ममनून है, मरहून है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, कि वो SCCP का चेयरमैन है, वो उसी तरह है, उसी तरह का वाकया है जिस तरह जस्टिस मलिक कयूम थे या जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी थे 1998 के मार्के में और 1999 के मार्के में, ये इन मार्कों में जिन जजेस ने उनका साथ दिया, बड़ा मरहून थे उनके, ममनून थे उनके अपॉइंटेड थे उनके लिए रेड पासपोर्ट। तो आप कह रहे हैं कि ये आप कह रहे हैं कि उनके कोई ऑटोनोमस उनकी नहीं थी डिसीजन मेकिंग पावर, आप कह रहे हैं हुकूमत के कहने पर वो एक्ट करते, और लेकिन आपने ये भी फरमाया कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि ये ऐन मुमकिन है SCCP के चेयरमैन की तरफ से ये और उनकी मावनत से ये सारी स्टोरी बनाई गई हो, घड़ी गई हो, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार
कोई ऐसे ऐसी बात करे, ऐसी कॉल करे, ऐसा डायरेक्टिव दे विदाउट द डायरेक्टिव्स ऑफ द बेंच और द चीफ जस्टिस। अच्छा, और बेंच और चीफ जस्टिस ने कह दिया जरूरत नहीं है। एक सुन ले, एक सुन लो, सुन तो लो, सुन तो लो, उनके लिए जरूरत नहीं है कि वो ऐसी डायरेक्टिव दें जब वो सारे नाम ही मांग रहे हैं। जब मांग सकते हैं, जब सारे नाम मांग रहे हैं तो उसमें तो बिलाल का भी नाम आ जाएगा और आमिर अजीज का भी नाम आ जाएगा, तो वो एक वो क्यों कहेंगे कि इसका नाम या उसका नाम दो। ये स्टोरी बाद में बनाई गई है बिलाल रसूल को और आमिर अजीज को और कोर्ट को कंट्रोवर्शियल करने के लिए। ब्रेक लेते हैं हम एतजाज हसन साहब, ब्रेक के बाद आएंगे और इसी गुफ्तगू को नाज़रीन जारी रखेंगे। हसन साहब ने, जैसे आप जानते हैं, उन्होंने ये कहा है, डिमांड किया है कि फुल कोर्ट रेफरेंस होना चाहिए इस इशू को फर्दर करने के लिए इन्वेस्टिगेट, तो क्या वो अभी भी यही कह रहे हैं कि होना चाहिए नहीं। ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं, स्टे विद अस। इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HT। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में, पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया, यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम आवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? युवराज और कोहली ने धो डाला, छक्के पे छक्का, अनफिट बोलर महंगा पड़ गया, क्रिकेट का बुखार, इसके अलावा आपको दिखाएंगे गाय पर उम्र कैद, अंधेरे दूर ना हुए, सूरज रिकॉर्ड तोड़ने लगा, और दहशतगर्दों का फिर वार। बच्चा 1 साल का हो गया है, पूरे घर में घूमता फिरता है। इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है,
जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूं इख्तलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ 18। तजुर्बा भी सोच विचार भी जहां लाजिम हो वहां तकरार भी अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर होती है गहरी सोच विचार होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम आवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? बैक नाज़रीन, हमारे साथ सेनेटर एतज़ाज़ एहसन साहब हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं इस वक्त GIT के हवाले से जो बहुत से सवालात उठे हैं और पनामा इंप्लीमेंटेशन बेंच के हवाले से। एतज़ाज़ एहसन साहब, सेनेटर आप देख रहे हैं कि जस्टिस अजमत सईद साहब के हवाले से बहुत सी स्टोरीज आने लगी मीडिया में कि वो प्रोसिक्यूटर जनरल थे जनरल मुशर्रफ के दौर में, कि वो हेलीकॉप्टर केस में इन्वॉल्व थे जिसमें कि सजा हुई शरीफ खानदान को उसके बाद। लेकिन साथ ये भी तो हकीकत है कि सेनेटर ये जस्टिस अजमत सईद साहब को एक्चुअली मियां नवाज शरीफ साहब के गवर्नमेंट में ही बनाया गया था प्रोसिक्यूटर। उनकी गवर्नमेंट में ही प्रोसिक्यूटर बनाया गया था, उनकी गवर्नमेंट में थे उनके, जी उनके गवर्नमेंट में थे, उनके साथ थे। पर इस तरह देखा जाए तो वो एक जज साहब ऐसे बैठे हुए हैं वहाँ इसी बेंच पे जिस पे एतराज़ नहीं करते नवाज शरीफ साहब, जो कि उनके अपने वकील रहे हैं और वो उनके उनके वकील के पार्टनर, उनके पार्टनर भी मियां नवाज शरीफ के अपने वकील रहे हैं और उनके बच्चों के वकील रहे हैं। ये जजेस जब बन जाते हैं और जज आप बने हुए अजमत सईद साहब को आई डोंट नो को 15-16 साल हो गए होंगे, पहले हाई कोर्ट के जजेस और फिर जज और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, तो बहुत से रिश्ते नाते इनके वैसे ही कट जाते हैं। मेरे ऐसे जजेस हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पर ऐसे जजेस हैं जो मेरे साथ काम करते रहे, जिनके साथ मेरे साथ बड़ा करीबी तल्लुक वास्ता रिश्ता रहा है, मूवमेंट में भी रहा है, उससे अलावा प्रोफेशनल भी रहा है। वो वहाँ जज बैठे हुए हैं, वहाँ उनके सामने मैं पेश भी होता हूँ, वो मेरे हक में भी केस करते हैं, मेरे खिलाफ भी केस करते हैं। तो ये रिश्ते जजेस, बल्कि मैं तो समझता हूँ बहुत ज़्यादा ही एक्सक्लूसिव और रिमूव्ड और इनडिफरेंट हो जाते हैं लोगों से, मेरा तो ये कहने का मेरा तो ये मानना है। और जो अजमत सईद साहब है ये प्रोसिक्यूटर या कुछ जो भी रहे हैं, दूसरे जजेज ऐसे हैं, सुप्रीम कोर्ट भरा हुआ है उन जजेज से जो कि मियां नवाज शरीफ के अपने वकील रहे हैं, इत्तफाक फैमिली के और जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनमें से हैं। जी मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था किसी का भी, पर चीफ जस्टिस साहब भी लॉ सेक्रेटरी रहे हैं
मियां नवाज शरीफ फिर वजीर आजम सेक्रेटरी रहे, फिर ये कैंपेन क्यों चल रही है? उनसे उस पे मैं इतराज तो नहीं करता हूँ ना उसकी वजह से, ये निकाह ये बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इत्तफाक फैमिली शरीफ फैमिली नवाज शरीफ फैमिली, ये फंस गए हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं है, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इन्होंने तस्लीम किया है कि ये प्रॉपर्टीज हमारी हैं और चार पांच डिफरेंट वर्जन्स दिए हैं। हुसैन नवाज शरीफ ने पहले कहा है ये रिकॉर्ड पे है कि ये मैंने खरीदी, मैंने बेच के जद्दा की स्टील मिल और मैंने ये फ्लैट खरीदे, फिर इनकी वालदा साहबा का बयान है कि हमने बच्चों के फ्लैट खरीदे सन 2000 में बयान है, फिर वालिद साहब का बयान है कि दुबई की स्टील मिल से जद्दा की स्टील मिल खरीदी गई और जद्दा की स्टील मिल को बेच के ये खरीदे गए अपार्टमेंट्स, और फिर बयान जो अदालत में दिया है वो ये है कि ये कतरी शहजादे ने 2006 में दिए। जी ये आप सही कह रहे हैं, जी आप सही कह रहे हैं, वजीर दाखला वजीर दिफा वो बयान दे चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जेआईटी उनको बुलाएगी क्योंकि वो बयान दे चुके हैं कि ये 1990 की दिहाई में खरीदे गए थे, ये कोर्ट में बातें हो रही है जेआईटी में कहते हैं। जी आप थोड़ा ये बताइएगा जो प्रेस रिलीज आई है हुकूमत की तरफ से बेनामी प्रेस रिलीज जिसमें ये कहा गया आखिरी दो फिक्रों में कि जो बेंच है इम्प्लीमेंटेशन बेंच उसने अपना हलफ जो है वो उसकी नफी की है और कोड ऑफ कॉन्डक्ट की नफी की है, तो उसमें ये बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये उन्होंने इसलिए लिखा है कि शायद कल को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ले जाएं केस को इन जजेस के खिलाफ, हालांकि चौधरी निसार साहब कह रहे हैं कि हमने तो बरहमी का इजहार किया है, हमने दुख का इजहार किया, हम ये तो नहीं कह रहे, लेकिन जो वो फिक्रे हैं वो काफी डैमनिंग है, बड़े सख्त फिक्रे हैं, और मैं क्या बता रहा हूँ नसीम आपको, इसीलिए तो ये बता रहा हूँ कि ये फंस गए हैं, इनके पास कुछ नहीं है। अब एक स्टोरी ये भी चल रही है सोशल मीडिया पे, बाय द वे आपने सुनी होगी देखी होगी कि ये सारा ड्रामा है जो कि शरीफ खानदान करवा रहा है, और ये सारे जो बयानात हैं ये दिए इसलिए जा रहे हैं कि ये लगे कि शरीफ ख़ानदान को का बड़ा कड़ा एहतसाब हो रहा है, जबकि शरीफ ख़ानदान को इसमें क्लियर चिट मिल जानी है जेआईटी से भी, और उसके बाद जेआईटी से मिल गई तो अदालत से भी, तो ये बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, पर ये सारी सुप्रीम कोर्ट, ये इसलिए मैं कहता हूँ जेआईटी ओपन होनी चाहिए थी, इसका बहुत फ़ायदा है हुसैन नवाज को, नवाज शरीफ को, शरीफ ख़ानदान को, ख़ुद नवाज शरीफ ख़ानदान को, एक शरीफ ख़ानदान है एक नवाज शरीफ ख़ानदान है, नवाज शरीफ ख़ानदान और शरीफ ख़ानदानों को दोनों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। अच्छा ये बताएं कि इस दरमियान में कर सकते हैं कोर्ट इसको, कर सकता है ओपन, क्या इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि जेआईटी को ओपन करें इन द मिडल ऑफ द प्रोसीडिंग्स? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और जो प्रोसीडिंग्स अभी तक हुई हैं उनको भी पब्लिक कर सकता है। वैसे अगर आप उसको, सर आप उसको इतना अहम समझते हैं और आपकी आवाज इतनी अहम है और आपने थ्रू आउट पैनामा केस पर आपने तवातर के साथ आके एक अपना एज अ पब्लिक इंटेलेक्चुअल आपने इतनी बातें की हैं और पोजीशंस ली हैं, अहम बातें की हैं, तो फिर अगर आप ये समझते हैं कि इतना अहम केस है, जीआईटी का ओपन होना भी अहम है, तो मैं इस बात से समझने से कासिर हूं कि आप इस चीज को उठाते क्यों नहीं है, कोर्ट में क्यों नहीं कोई ले जाता, आखिर जीआईटी पे के ऑब्जेक्शंस भी कोर्ट ने सुने तो जीआईटी की प्रोसीडिंग्स पर भी कोर्ट में जाया जा सकता है, कोर्ट में जाया जा सकता है, और किसी को कोई जाना चाहे तो जरूर जा सकता है। लेकिन आप समझते हैं आप ये इतना अहम मसला नहीं है कि आप जैसी शख्सियत इसको उठाए,
नहीं, मैं मतलब है, मैं बड़ा क्लियरली हॉस्टाइल आदमी हूँ, हॉस्टाइल टू नवाज शरीफ, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हूँ, और एक हॉस्टिलिटी एट्रीब्यूट की जाती है गो, मैं अपने आप को हॉस्टाइल नहीं समझता हूँ। मेरा कोई जाती मामला नहीं है नवाज शरीफ के साथ, कोई जाती दुख उन्होंने मुझे नहीं पहुँचाया, कोई इस किस्म का मैंने उनको नहीं पहुँचाया। आई डू माई पब्लिक ड्यूटी एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, बट एक इम्प्रेशन जो होता है एक शख्स का कि उसकी पोजीशन हॉस्टाइल टू दी टू वन पार्टी है, उसको उसका जाने से इतना कोई फायदा नहीं है। तो फिर आप किसी को एडवाइस कर दीजिएगा कि चले जाएं। इत्तेज़ा साहब, आपने ये कहा है कुछ रोज पहले कि एक्चुअली ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने लगे हैं जीआईटी को, तो वो थोड़ा सा बताएं कि कब भेजेंगे डॉक्यूमेंट्स। आपने कहा था प्राइम मिनिस्टर के इनकम टैक्स के आप भेज रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, वो प्राइम मिनिस्टर के इनकम टैक्स के का रिकॉर्ड, एक मेरे पास डॉक्यूमेंट है, फोटोकॉपी है, ऑब्वियसली ओरिजिनल तो मेरे पास नहीं है, पर फोटोकॉपी जीआईटी उससे मंगवा सकती है, मैक में से तलब कर सकती है उसका ओरिजिनल। 1996 में जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने NA-12 एबटाबाद अब्लीक हरिपुर जो नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल की थी, उसमें तीन साल का गुज़श्ता तीन साल का टैक्स देना खाना कब जा रहे हैं, कब दे रहे हैं सर, आपने कब जाना है, कब देंगे ये डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपने तफसील तो बताई हुई है इसकी। मैंने जाना नहीं है जी, मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं उनको भेज रहा हूँ। कब भेज रहे हैं सर? डाक में भेज दूंगा। कब भेज रहे हैं वो? मैंने वो मेरा ख्याल है मेरे ऑफिस ने, मैंने साइन कर दिया था, मेरा ख्याल है मेरे ऑफिस ने कल भेज दिया होगा, कल यस्टरडे भेज दिया होगा। नाज़रीन, अहम खबर है एतजाज़ अहसन के इनकी तरफ से जीआईटी को मियां नवाज शरीफ साहब के कुछ इन सालों के इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स जा चुके हैं। ब्रेक लेते हैं हम, नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर बात करेंगे इनसे PMLN के हवाले से और आगे उनकी हिकमत अमली क्या होगी। स्टे विद अस। इख्तलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूं इख्तलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज ईस्टर्न। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में, पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया, यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम आवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम
या बराए दौलत हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं, तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायत खून चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं, वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जन्ने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निजाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला है? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है? जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया, कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ताजुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। हमारे साथ सेनेटर एतजाज अहसन साहब हैं। एतजाज अहसन साहब, अभी प्राइम मिनिस्टर के जो लोग हैं, PMLN के जो लीडर्स हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि जी जो इस वक्त माहौल है ये ऐसा है जैसे कि जनरल बन रहा है जो इनके खिलाफ, वो ऐसा जैसा जनरल मुशर्रफ के दौर में था 17-18 साल पहले। और उसी हवाले से वो जस्टिस अजमत सईद साहब की भी बात और आमिर अजीज की भी बात, क्योंकि आपको याद है कि हुदैबिया केस में खासतौर पर आमिर अजीज इन्वॉल्व थे, तो ये वो एक माहौल वो बना रहे हैं। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जी जो आजाद अदलिया है वो प्राइम मिनिस्टर के मरहूने मिन्नत है। ये सुनिएगा तलाल चौधरी साहब ने क्या फरमाया था।
یہ عدلیہ کبھی ایل او اے کا شکار ہوتی تھی, کبھی پی سی او کا شکار ہوتی تھی, کبھی آمریت کی لونڈی بنتی تھی, کبھی کسی حکومت اس کو تہو بالا کرتی تھی. اس کو مضبوط جو کیا ہے وہ میاں نواز شریف کی اس جد و جہد کا نتیجہ ہے. جی اس جد و جہد میں تو آپ بھی تھے, تو کیا تھا میاں نواز شریف صاحب کا رول اس جد و جہد میں؟ پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جو ڈاکومنٹ آپ نے جس کا کہا کہ ڈاکومنٹس دے دیے دستاویزات, میں ایک ڈاکومنٹ ہے وہ فوٹو کاپی ہے آف دی نامینیشن پیپرز, جس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ انہوں نے صفر انکم ٹیکس دیا تھا 1994 میں, 477 روپے انکم ٹیکس دیا تھا 1995 میں, اور صفر انکم ٹیکس دیا تھا 1996 میں. جو موضوع اس لیے ہے کہ اسی زمانے میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے مطابق, چار جج صاحبان کے مطابق اسی زمانے میں یہ فلیٹس خریدے گئے, حاصل کیے گئے شریف فیملی نے. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا رول ادا کیا تھا میاں نواز شریف نے, وہ میں کبھی بتاؤں گا. ان کا کوئی رول نہیں تھا, یہ آخری دن ہماری لانگ مارچ میں ساتھ آ گئے تھے. اس پہ بڑی جب میں نے بات کی تو اسی لیے یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ٹیلی فون بھی جنرل کیانی کا مجھے آیا. ہماری لانگ مارچ تھی, لائرز کی لانگ مارچ تھی, وکلا لیڈ کر رہے تھے. نواز شریف صاحب نے دو مرتبہ شرکت کی, ایک دفعہ ہمارے جلسے سے آ کے خطاب کیا جون 2008 میں, اور ایک دفعہ آ کے شامل ہو گئے ہماری لانگ مارچ میں جون مارچ 2016 میں. آپ کا کوئی کردار نہیں تھا اس لانگ مارچ میں, یہ وکلا کی لانگ مارچ تھی. وکلا کا سارا یہ کریڈٹ لینے کی کوشش نہ کریں, نہ مسلم لیگ نواز, نہ نواز صاحب. اور نواز صاحب کو بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ یہ اس کو کال آف کریں. یہ میں یہ ہم نے مشورہ کر کے جو ہمارے لیڈرز اویلیبل تھے فیصلہ کیا کہ اگر یوسف رضا گیلانی ججز کو بحال کر دیتے ہیں, اور وہ تقریر ہم سننے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ وی کال اٹ آف. اس میں بھی نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک لمبی داستان ہے, پارٹیسپینٹ تھے, انہوں نے ان کا کوئی لیڈ رول نہیں تھا. یہ بتائیے گا آخر میں کہ چودھری نثار صاحب نے جب بڑی تنقید کی کہ پوائنٹ سکورنگ پہ لوگ آ گئے اور یہ سیاسی ایک کھیل بنا لیا ہے اس کے حکومت کے اور عدلیہ کے درمیان, لوگ اس وقت پوائنٹ سکورنگ کے لیے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر رہے ہیں, تو انہوں نے آپ کی پارٹی کے حوالے سے کہا, نام تو نہیں لیا, انہوں نے کہا ایک پارٹی ہے جس نے کہ کورٹ پہ چمک کا لگایا تھا الزام اور کہا کہ پنجابی نان پنجابی میں اس کو کیا انہوں نے تقسیم, تو کیا کہیں گے آپ ہی کی پارٹی کی وہ کرٹیسزم کر رہے تھے. پنجابی نان پنجابی کا تو پہلا نعرہ نواز شریف نے لگایا تھا, جاگ پنجابی جاگ, جب بی بی شہید وزیر اعظم تھی اور نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, تو پنجاب کو الگ کرنے کا سارا کام اور الگ یہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ, یہ سارا اور منصوبہ, اور وہ نہیں جایا کرتے تھے پرائم منسٹر کو ریسیو کرنے, لاہور ایئرپورٹ پہ نہیں جاتے تھے, بہت ساری باتیں تھیں. جی انہوں نے بہت سارے کیا کام ایسے کیے. باقی جہاں تک نثار علی کا تعلق ہے, میں پہلے ہی اس کے ذہن پہ اتنا سوار ہوں کہ میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ تو 8-8 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں, میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا. میں تو مزدور آدمی ہوں, کام کرتا ہوں, میرے پاس اتنی لمبی پریس کانفرنسز کا اور ٹائم نہیں ہوتا. ویسے اعتزاز صاحب, بس اب بات یہ ہے کہ یہ عدلیہ پر تو بات ہوگی بڑی تفصیل میں, آپ نے اپنی پوزیشن دے دی اس پر بھی, جی آئی ٹی پہ بھی. ایک چھوٹا سا سوال آپ کی پارٹی کے حوالے سے, پنجاب سے آپ کے بہت سے لوگ جا رہے ہیں, فردوس عاشق اوان صاحب بھی جا رہی ہیں, اور ابھی حال میں ایک اور نام آیا ہے وہ بھی جا رہے ہیں, اور نظر گوندل صاحب بھی جانے والے ہیں, تو پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟
कोई सियासी यतीम वाली सूरत हाल हुई? नहीं नहीं, पंजाब में हमें मेहनत करनी पड़ेगी और आइंदा चंद रोज़ में कुछ पंजाब में एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। बिलावल साहब आ रहे हैं और एक्टिविटी शुरू हो जाए, जब हमारे साथ हमारी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जिस तरह फैसलाबाद का मार्च हुआ, जिस तरह हफ्ता तासीस हमने मनाया चेयरमैन बिलावल के साथ, और उस वक्त फिर हमारी तरफ भी तो आना शुरू हो जाते हैं। चलें जी देखते हैं कि कौन से फसली बटेरे आते हैं और जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज साहब आपका प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन हमारी तरफ से जितना ही, खुदा हाफिज़।